आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप ही के YouTube आ गया लेटेस्ट धमाका चैनल में। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप एक डिवाइस का एक फोन का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आपका जो फोन है उसमें एक IMEI नंबर होता है जिसे कह सकते हैं कि आपके मोबाइल की यूनिक आइडेंटिटी या यू कहें आपके डिवाइस की आईडी। वो IMEI जो नंबर होता है वो आपको याद करना या सेव करके रखना कहीं बहुत ही जरूरी होता है। अब मैं पहले बताऊंगी अगर आप उस नंबर को या डिवाइस की आईडी को याद नहीं रखते तो क्या हमारे साथ माइनस पॉइंट होता है, क्या हमें परेशानी झेलनी पड़ सकती है, और अगर आप याद रखोगे तो आपको क्या प्लस पॉइंट मिलेगा या आपको इसका क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो पहले बात करते हैं अगर हम उसको डिवाइस की आईडी को याद नहीं रखते तो हमारे लिए क्या माइनस पॉइंट हो सकता है। दोस्तों जो आपके पास फोन है वो फोन कोई जरूरी नहीं कि आपके पास हमेशा हो, आपके पास से कहीं गिर सकता है, आपसे खो सकता है, कोई भी फोन आपको चुरा के ले जा सकता है। आप क्या करते हैं, आप जाकर तुरंत सिम को ब्लॉक करा देंगे। अब आपने सिम को ब्लॉक होगा तो वो उस सिम को हटा देता है और अपना कोई भी नेटवर्क का सिम आपके डिवाइस में इंसर्ट करके और वो फोन को इस्तेमाल कर सकता है, इस्तेमाल करता है फोन, चाहे वो एक स्मार्टफोन 2000 का हो 20000 का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल मिला के बहुत मेहनत से आप किसी भी चीज को खरीदते हो। अब क्या करेगा, वो चोर के भैया बल्ले बल्ले हो जाएंगे, वो आपके डिवाइस को आपका सिम निकाल के और बहुत अच्छे से उसको यूज। आप भी पेटीएम कैश अर्न करना चाहते हैं तो फोर फन ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करें और पेटीएम कैश कमाएं। सिम को तो ब्लॉक कर दिया लेकिन आपका जो डिवाइस आपका स्मार्टफोन आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि आपने अपने डिवाइस फोन की आईडी को ब्लॉक नहीं किया, वो कभी भी ट्रैक नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं कि आपने अगर अपने फोन के IMEI नंबर या आपने अपने फोन की आईडी को याद रखा हुआ है तो इसका आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है, क्या फायदा मिलेगा। दोस्तों जब आप अपने फोन, अगर आपका फोन खो जाता है, गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, कोई भी कंडीशन होती है, उस समय आपको क्या करना है, अपना IMEI नंबर लेकर लोकल सर्विस प्रोवाइडर के पास जाकर अपने आईडी को आप ब्लॉक करा दें। जब आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी तो फिर क्या होगा, जो फोन चोरी करके ले जाएगा या जिसको मिल जाएगा वो आपके सिम को निकालेगा और अपने किसी भी नेटवर्क के सिम को उसमें इंसर्ट करेगा। जैसे ही वो इंसर्ट करेगा वो लोकेशन उसकी ट्रैक हो जाएगी कि इसमें इस नेटवर्क के सिम को इंसर्ट किया गया है इस IMEI नंबर के डिवाइस में। ट्रैक कर लेती है उस IMEI नंबर को और वहां पहुंचकर उस व्यक्ति से वो स्मार्टफोन ले लेती है। वो फोन आपको मिल सकता है, 95% मिलने के चांस रहते हैं, लेकिन जब आपको आपका IMEI नंबर याद हो। तो ये बहुत बड़ा फायदा है कि हमारा डिवाइस, हमारा स्मार्टफोन हमको वापस मिल जाता है, पता नहीं कितने पैसे का हो, कितनी मेहनत से हमने खरीदा हो। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप नहीं जानते कि आपके डिवाइस की IMEI नंबर आप कैसे जानेंगे तो आप डायल पर जाएंगे *#06# और इंटर प्रेस कर देंगे, आपका मोबाइल का IMEI नंबर आ जाएगा और आप उसे कहीं सेव करके रख ले। अगर ये वीडियो पसंद आया और दौड़ कर जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर